Oh. Hi. Bye. Happy love. जो उचित होगा उसको न्याय मिलेगा। बिल्कुल भैया, अंगता स्टार न्यूज़ के दर्शकों। अच्छा दोस्तों, पवन सिंह को भोजपुरी का पावर स्टार ऐसे ही नहीं कहा जाता है। आज पवन सिंह ने जो कर दिया है वह सच में भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए एक नई लकीर बन चुकी है। जैसा कि आपको भी पता होगा, उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले मालती चौहान को लेकर बहुत जोरों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद मालती यह दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन आज पवन सिंह मालती और मालती के परिवार वालों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान पूरे सोशल मीडिया पर दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान के उस मासूम बच्चे को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह गोद ले चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको भी मालूम होगा, मालती चौहान के जाने का वजह असल में वह खुद जिम्मेवार नहीं थी, बल्कि विष्णु राज और उसके साथी थे। इसी वजह से आज भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह मालती के उस छोटे से मासूम बच्चा युवराज को अपने पास बुला लिए हैं और उसको गोद ले लिए हैं। यह दोस्तों पूरी प्रक्रिया कागजी तरीके से करवाई जा रही है। पवन सिंह कोर्ट के माध्यम से उस बच्चे को गोद लेने वाले हैं। पवन सिंह का मीडिया कर्मियों के साथ कहना है कि मैं उस बच्चे को गोद लेने के पीछे असल वजह मैं बता देना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं मालती के साथ अगर उसका पति विष्णु ऐसा कर सकता है, तो अपने बेटे के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी वजह से एक मनुष्य होने के नाते, उस छोटे से मासूम की मदद करने की नाते मैं आज इस बच्चे को गोद लिया हूँ। इसकी जिंदगी भर के सारे खर्चों का बोझ मैं उठाऊंगा। यह बच्चे पर जितने भी पैसे खर्च होंगे, चाहे हर चीज दवा से लेकर दुआ तक हर चीज में मैं पैसा लगाऊंगा। इस बच्चे को मैं अब पाल पोस कर बड़ा करूंगा, क्योंकि विष्णु राज ने जिस तरीके से शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है, उससे वाकई हम लोगों का पूरा देश का सिर झुक चुका है। दोस्तों मालती चौहान के इंसाफ को लेकर भी मीडिया कर्मियों से कई बात बोल चुके हैं पवन सिंह, जैसा कि आपने इस वीडियो के शुरुआती क्लिप में सुन चुके होंगे। दोस्तों पवन सिंह के इस दरिया दिली के लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप लोग कमेंट में दो शब्द उनके लिए जरूर लिखिएगा। और मालती की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ जरूर कीजिएगा, क्योंकि मालती का 13वीं अब कंप्लीट हो चुका है। भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगह दे।